किसानों के संदर्भ में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित किए गए तीन कानूनों के विरोध में दिल्ली की घेराबंदी कर 10 दिनों से बैठे लाखों किसानों के समर्थन में सिटी में भी बच्चे, बुजुर्ग और जवान सड़कों पर। जिलाधिकारी ने कोविड टीकाकरण अभियान के संदर्भ में जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक लेकर टीकाकरण की तैयारी का नियोजन करने का निर्देश संबंधित विभागों को। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे दो छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना सामने आई है। एक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की तो दूसरा बहुमंजिला नई इमारत से कूद। खेती की जमीन के साथ 12 पर नाम चढ़ाने के लिए किसान से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। कोरोना मरीजों से अधिक वसूली को लेकर मनपा द्वारा दिए गए 17,97,000 वापस करने के दिए गए नोटिस को चुनौती देते हुए विवेका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में की याचिका दायर। रेलवे प्रशासन द्वारा नई समय सारणी घोषित कर दी गई है जो मंगलवार 8 दिसंबर से लागू हो चुकी है। नागपुर स्टेशन से छूटने और गुजरने वाली कई ट्रेनों में समय 5 मिनट से लेकर अधिकतम 11 घंटों का भारी बदलाव किया गया। वास्तविक जरूरतमंदों को गृह निर्माण के लिए रेत मिल सके, इस दिशा में विधायक आशीष जायसवाल के प्रयास को बड़ी सफलता मिली। राज्य सरकार बहुत सारे रेती घाटों की नीलामी नहीं होने से लोगों को जरूरत के लिए रेत नहीं। सभी के लिए घर 2020 योजना के तहत 10 आवास योजना को क्लब कर महाआवास योजना अभियान शुरू किया गया। पालक मंत्री नितिन राउत ने राज्य में इस योजना का शुभारंभ ऑनलाइन किया। मनपा और OCW की ओर से फुटाला के पास 500 mm की जलवाहिनी डाली गई है जिसे अब मुख्य जलवाहिनी के साथ जोड़ने का काम किया जाना है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक विद्यार्थियों को एलोपैथी सर्जिकल करने की अनुमति दी है। राजपत्र के CCIM के अधिसूचना का विरोध करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया।